चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज वन में कुछ नहीं दिया था, जितना था भाई दिया था, ठीक है। चलिए ये शीट ले लीजिए बेटा। क्या पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में? हाँ, किसका? मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज आपको बताया था मैंने, और मीटर ब्रिज के अंदर कुछ कुछ बातें आपको बताई थी। जैसे एक नॉन रेजिस्टेंस होता है जिसे हम R से दिखाते हैं, तो R बाई L जो होता है वो S अपॉन 100 माइनस L के बराबर होता है, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम चाहते हैं कि एरर कम रहे, गलती कम रहे, तो जो नल पॉइंट आना चाहिए मिडिल पॉइंट के आसपास आना चाहिए, 40 से 60 स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ठीक है। तो नल पॉइंट की जो वैल्यू है वो मिडिल पॉइंट के आसपास आनी चाहिए। मीटर ब्रिज के अंदर कुछ कुछ बातें जो है वो डिस्कस हुई थी, ठीक है। अब एक मैं सवाल देता हूं मीटर ब्रिज का। ये गैल्वेनोमीटर होता है, यहां बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। पॉइंट्स को नाम भी देते हैं हम लोग, जैसे इसको हम लोग ए बोल देते हैं, बी हो गया, नहीं पिछले क्वेश्चन में इस पॉइंट को क्या नाम दिया था? सी। ये सी था, ये डी था, ये डी था, ये बी था शायद, और ये वाला सी था, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये अरेंजमेंट होता है व्हीट स्टोन ब्रिज का। ये वाली दूरी एल के बराबर होती है, ये 100 माइनस एल के बराबर होती है, ठीक है। अब एक सवाल इसके अंदर लिखें, इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द नल पॉइंट is obtained at a distance of, in a meter bridge experiment the null point is obtained at a distance of 60 centimeter from A. In a meter bridge experiment the null point is obtained at a distance of 60 centimeter from A. Obtained at a distance of 60 centimeter from A, if resistance box is shunted, if resistance box is shunted with a resistance of 10 ohm, resistance box is shunted with a resistance of 10 ohm, the null point shifts to a distance 40 centimeter from A. The null point shifts to a distance 40 centimeter from A. Null point shifts to a distance 40 centimeter from A. Null point shifts to a distance 40 centimeter from A. Find the value of the unknown resistance. Find the value of the unknown resistance. Unknown resistance की value बताइए।
15 ओ पहले जो नल पॉइंट था ये से 60 सेमी की दूरी पे था, अब हमने ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको 10 ओम के एक रेजिस्टेंस से शंट कर दिया, तो अब नल पॉइंट जो है वो इसे 40 सेमी की दूरी पे आ रहा है। तो आपको अननोन रेजिस्टेंस बताना है। अननोन कौन सा होता है, ये वाला कि एस? हाँ, तो एस की वैल्यू आपको बतानी है। कितनी आ रही? 15 ओम आ रही। देखे करके देखे, देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। पहले ये जो दूरी थी, ये वाली दूरी 60 थी और ये वाली दूरी कितनी थी? 40। हाँ, मान लेते हैं ये अननोन रेजिस्टेंस R है, ठीक है, तो R बाई 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S बाई 40। इसमें कोई दिक्कत? अब क्या हुआ है, मैंने R को एक 10 ओम के रेजिस्टेंस के साथ शंट किया है, तो शंट हम हमेशा पैरेलल में ही करते हैं, शंटिंग जो होती है हमेशा पैरेलल में होती, सीरीज में कभी नहीं होती। तो इसको अगर हमने 10 ओम के रेजिस्टर के साथ शंट किया है तो इसका मतलब जो इन दोनों से जो इक्विवेलेंट बनेगा वो इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा? 10R अपॉन 10 प्लस R। ध्यान रहे शंटिंग हमेशा पैरेलल में होती है, तो इन दोनों से जो इक्विवेलेंट बनेगा वो 10R अपॉन 10 प्लस R हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा। ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो है 10R अपॉन 10 प्लस R, ये हो गया, और ये वाली डिस्टेंस अब कितनी हो गई? 40 हो गई, और S जो है वो S ही रहा, और ये वाली अगर 40 होगी तो ये 60 हो जाएगी, ये 60 हो जाएगी। अब उसके बाद इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये R इज इक्वल टू आएगा 3/2S, R की जो वैल्यू आएगी वो 3/2S के बराबर आ जाएगी। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, तो अब ये 10R upon 10 plus R into 4, 10R upon 10 plus R into 4 is equal to S upon 6, यह आ जाएगा। तो अब ये 10R upon 10 plus R, एक मिनट कर लेता हूँ मुझे। अच्छा, ये 40 था, R की वैल्यू रख दे, R की वैल्यू कितनी है? 3/2S रखते हैं, R की वैल्यू रखते हैं, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए इसे, तो ये हो जाएगा ये 60/4, 60/4 कितना होगा? 15, तो 15R इज इक्वल टू S इंटू 10 प्लस R। तो हम ऐसा करें ना, S की वैल्यू रख दे, S की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो ये कितनी आई है? S की वैल्यू 2R/3, तो 15R इज इक्वल टू 2R/3 इंटू 10 प्लस R। एक R से एक R जाएगा भी, और ये 45/2 इज इक्वल टू 10 प्लस R आएगा, तो R की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25/2, R ये आ जाएगा, लेकिन हमसे S पूछा था, तो अब 3/2 S इज इक्वल टू 25, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50/3। हाँ, तो 25/2 है क्या? हाँ, 25/2 है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 2 से 2 जाएगा और ये कितना हो जाएगा?
25/3 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर से सुने, फिर से मैं समझा रहा हूं भाई, पहले क्या कंडीशन थी कि ये आर था। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि शंट जब भी करेंगे तो शंटिंग पैरेलल में होगी, सीरीज में नहीं होती। सवालों में भी ये खेल खेलते हैं जिसमें शंटिंग बोल दिया जाएगा, बोले बताएंगे नहीं सीरीज या पैरेलल, तो शंटिंग का मतलब पैरेलल। तो अब पहले इसको मैंने आर माना, ये एस था, ये 60 था, ये 40 था, तो इसका इसका रेशियो इसके इसके बराबर आएगा। तो आर अपॉन 60 इज इक्वल टू एस अपॉन 40, तो R इज इक्वल हो जाएगा 3/2s, एक इक्वेशन आ गया। अब जो अगला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। अगले पार्ट में इन्होंने कहा कि इस रेजिस्टेंस बॉक्स को 10 ओम के साथ शंट किया, तो अगर ये R था और 10 ओम इसके साथ पैरेलल में लगा देंगे तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 10R/10+R। इसमें कोई डाउट किसी को? अब इसका और इसका रेशियो बराबर इसका और इसका रेशियो होगा, ये हो चुका है 10R/10+R, और ये वाली दूरी इस बार 40 हो गई, क्वेश्चन में बोला गया है ये डिस्टेंस 40 हो गई है, तो 10R/10+R/40 इज इक्वल टू S/60। सॉल्व करके देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी S की 25/3। नोट कर लिया? चलिए, हाँ बेटा, R/60 इज इक्वल टू S/40, तो R की जो वैल्यू आई है वो 3/2S के बराबर आई है ना। नहीं, किस वाले केस में? पहले केस में कि दूसरे केस में? पहले केस में R/60 इज इक्वल टू S/40 लिखा तो है मैंने, फर्स्ट केस में R/60 इज इक्वल टू S/40 लिखा तो है। नहीं, इसमें कुछ गलती है क्या? अगर गलती हो तो फिर कुछ बात करें ना हम लोग। इसमें भाई क्वेश्चन में यही बोला है ना कि A से 60 सेमी की दूरी पर नल पॉइंट मिला, तो A से 60 सेमी की दूरी का मतलब ये वाली दूरी पहले केस में 60 के बराबर है, तो अगर ये 60 होगी तो ये 40 होगी, आपने उल्टा ले लिया होगा, ठीक है। तो अब R/60 इज इक्वल टू S/40 क्वेश्चन में तो ये लिखा है ना कि A से 60 सेमी की दूरी, एक बार चेक कर लो क्वेश्चन में। पहली बार नल पॉइंट जो है वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर आ रहा है A से, ऐसा बोला है ना मैंने, हाँ, तो भाई किया भी है फिर R/60 इज इक्वल टू S/40, और एक इक्वेशन यहां से आ गया। दूसरी बार इसकी शंटिंग करी, शंटिंग करी तो 10R/10+R, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये हो जाएगा, ठीक है। चले बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जैसे मीटर ब्रिज है उसके बाद एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियोमीटर, ठीक है। हेडिंग डाले, लिखे पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर क्या होता है कि जैसे वोल्टमीटर था, ये वोल्टेज नापने के काम में आता था, लेकिन वोल्टमीटर क्या करता था, सर्किट से कुछ करंट ड्रॉ करता था जिसकी वजह से एरर आती थी, कुछ थोड़ी बहुत एरर आ जाती थी क्योंकि वोल्टमीटर कोई भी आइडियल हो नहीं पाता है, तो सर्किट से कुछ करंट ड्रॉ करता था और एरर आती थी, तो उसकी काट निकाली गई है पोटेंशियोमीटर से। पोटेंशियोमीटर
भी एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज का मेजरमेंट करता है, लेकिन ये वोल्टेज का जब मेजरमेंट करता है तो ये सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है, सर्किट से कोई करंट नहीं लेता है। इसका मतलब ये है कि ये आइडियल वोल्टमीटर की तरह काम करता है। मतलब पोटेंशियोमीटर भी, इसका भी मतलब ऐसे तो बहुत सारे इस्तेमाल है पोटेंशियोमीटर के, लेकिन सबसे जो बेसिक इसका इस्तेमाल है कि वो ये है कि ये एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह काम करता है। ये मतलब सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है। ठीक है, तो लिखिए पोटेंशियोमीटर एक्ट्स एज एन आइडियल वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर एक्ट्स एज एन आइडियल वोल्टमीटर बिकॉज potentiometer acts as an ideal voltmeter because it draws no current. Potentiometer acts as an ideal voltmeter because it draws no current from the circuit. Potentiometer acts as an ideal voltmeter because it draws no current from the circuit. पोटेंशियोमीटर एक्ट्स एज एन आइडियल वोल्टमीटर बिकॉज इट ड्रॉज नो करंट फ्रॉम द सर्किट। ये एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह काम करता है क्योंकि ये सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है, एनी करंट सर्किट से ड्रॉ नहीं करता है। इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, एक्ट्स एज एन आइडियल वोल्टमीटर बिकॉज इट ड्रॉज नो करंट फ्रॉम द सर्किट, सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इसके तीन मेन इस्तेमाल होते हैं, पोटेंशियोमीटर के तीन मेन इस्तेमाल होते हैं, इन तीनों पे सवाल बनते हैं, तीनों में आपको बताऊंगा। तीन इस्तेमाल कौन कौन से होते हैं, एक तो पहली बात ये बैटरी का ईएमएफ निकालने के काम में आता है, दूसरा काम होता है ये दो बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर करता है कौन छोटा है कौन बड़ा है, और तीसरा ये है कि ये किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के काम में आता है। तीन मेन इसके एप्लीकेशन होते हैं, बैटरी का ईएमएफ निकालना, ईएमएफ निकाल के दो बैटरियों के ईएमएफ को कंपेयर करना, और उसके अलावा ठीक है बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। लिखे इट इज यूज टू, It is used to calculate. पहला EMF of a cell it is used to calculate the EMF of a cell. It is used to calculate the EMF of a cell. दूसरा लिखे It is used to पहला used to calculate पहला EMF of a cell. दूसरा लिखे Compare the EMF of two cell. Compare the EMF of two cells. और तीसरा लिखे To find the internal resistance of a cell. तीन इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये तीनों इस्तेमाल हम एक एक करके आपको बताएंगे। कुछ लोगों ने स्कूल में लैब में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा पोटेंशियोमीटर का, तो हम ये तीनों इस्तेमाल आपको एक एक करके बताएंगे। तीनों इस्तेमाल आपको समझने हैं और फिर उसके बाद उसको याद भी रखना है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर की जो सर्किट होती है उसके अंदर एक बड़े ईएमएफ की बैटरी होती है। इस बैटरी को हम ईपी, इसका ईएमएफ जो है वो ईपी से दिखाते हैं। ईपी का मतलब ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी सेल, प्राइमरी जो पहले से प्रेजेंट है वो प्राइमरी है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आरपी से दिखाया जाता है। यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसका रेजिस्टेंस मैं आर नॉट मान रहा हूं, और यहां पर एक तीर लगा दे रहा हूं। तीर क्या बताता है, याद है किसी को? इसकी वैल्यू को वेरी करा सकते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस तो बदल सकता है ना, रेजिस्टेंस हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। तो यहां पर एक प्राइमरी सेल होता है जिसका ईएमएफ ईपी है, थोड़ा ज्यादा रहता है इसका ईएमएफ, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया। एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसका रेजिस्टेंस आर नॉट होता है, और उसके अलावा इसके अंदर एक लंबा सा तार होता है। ठीक है, एबी जिसे हम पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं, लंबा सा तार होता है, हम थोड़ा सा इसको ऐसे मोटा बना देने समझाने के लिए। तो ये एबी जो है एक लंबा सा तार होता है, इसे पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं, और इसकी जो लंबाई है इस लंबाई को हम कैपिटल एल से दिखाते हैं। ठीक है, एबी जो है वो पोटेंशियोमीटर वायर है, कैपिटल एबी जो है ये पोटेंशियोमीटर वायर है। ए बी जो है वो पोटेंशियोमीटर वायर, हाँ बता दीजिए।
तो एबी जो है वो पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर है, और इस पोटेंशियोमीटर वायर एबी की जो लंबाई है वो एल के बराबर है, ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, और इसका रेजिस्टेंस जो है एबी का वो कैपिटल आर है। ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। ये तार एबी जो है ये कई बार 20-20 मीटर लंबा होता है। तो अब जैसे मैंने तो एबी जो है ऐसे दिखाया, पर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे तो जो तार होता है वो ऐसे करके घुमा घुमा के टेबल के ऊपर रखा रहता है, क्योंकि हम 20 मीटर लंबी टेबल नहीं ढूंढ सकते ना, कि 20 मीटर लंबी टेबल लाए तो अब तो उसमें सीधा तार होगा। अब टेबल की लंबाई 1 मीटर है, दूसरी 10 बार घुमा दिया, एक राउंड में 2 मीटर जाएगा, 1 मीटर जाएगा, 1 मीटर आएगा, तो 10 राउंड उसको घुमा दिया तो उसी टेबल पे ये 20 मीटर भी हो जाएगा। तो ये तार एबी जो अभी मैंने फिगर बनाया, इसके अंदर सीधा दिखाते हैं, लेकिन अगर आप लैब में देखेंगे या कुछ बुक्स में भी देखेंगे तो ये तार एबी ऐसे घुमा घुमा के दिखाया जाता है, लेकिन हम लोग इसको सीधा दिखा रहे हैं, उससे फिजिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये समझ गए, तार एबी की लंबाई कुछ भी हो सकती है, 15 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, ठीक है। और ये तार एबी जो बना होता है किस मटेरियल का बना होता है, कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नेनिन, ये दो मटेरियल बताए जाते हैं, कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नेनिन इसका बना होता है। खैर, तो ये पहले फिगर बनाए आप, ये फिगर बनाए, और इसी को हम लोग पोटेंशियोमीटर कहते हैं। नोट कर लिया, ठीक है। तो ये पोटेंशियोमीटर का अरेंजमेंट होता है, इसमें जो है वो ईपी जो है वो ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी सेल है, आरपी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। सब समझ गए ना, कोई डाउट इसमें किसी को, कोई बात नहीं समझ में आ रही। अब उसमें एक हम टर्म डिफाइन करते हैं पोटेंशियोमीटर का, उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम x से दिखाते हैं, ये टर्म जो है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसको x से दिखाया जाता है, और x की जो वैल्यू आती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है इसकी जो वैल्यू आती है ये बराबर होती है va माइनस vb अपॉन l। va जैसे ये पोटेंशियोमीटर वायर का एक सिरा a है, दूसरा सिरा b है, तो दोनों का मतलब जो वायर है उसका पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन लेंथ, ठीक है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो वर्ड आता है ये बराबर होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो लिख ले पोटेंशियल ग्रेडियंट, x से दिखाते हैं, और x की वैल्यू आती है va माइनस vb अपॉन l। चलिए बड़े आगे, x जो है वो va माइनस vb अपॉन l इसके बराबर है,
ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। शब्दों में लिखें, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, वायर की यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप, ये जो तार है इसकी एक मीटर लंबाई का पोटेंशियल ड्रॉप। अब इसके अंदर जो बातें आती हैं वो मैं आपको समझाऊं। ये जैसे तार है उसकी एक मीटर लंबाई का पोटेंशियल ड्रॉप, तो अगर तार की तीन मीटर लंबाई का पोटेंशियल ड्रॉप कोई आपसे पूछे तो वो कितना आएगा? एक मीटर का अगर x है तो तीन मीटर का कितना होगा? 3x। अगर आधे आधे मीटर का कोई पूछे तो कितना होगा? 1/2x। अगर 15 मीटर का कोई पूछे तो कितना होगा? 15x। समझ गए? तो एक मीटर का पोटेंशियल ड्रॉप है ये। अब तार जो है 50 मीटर लंबा है, तो जितनी तार की लंबाई होगी उसके हिसाब से पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग निकाल सकते हैं। ये एक मीटर का पोटेंशियल ड्रॉप है पर यूनिट लेंथ। एक मीटर का पोटेंशियल ड्रॉप जो है उसे हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। यहां से आता पोटेंशियल घट रहा है तो एक मीटर में जितना घट जाएगा वो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब जैसे मान लीजिए कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो है 0.5 और तार की लंबाई 10 मीटर है, तो यहां से यहां तक का ड्रॉप कितना होगा? फिर से सुने, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है 0.5 है और यहां से यहां तक की लंबाई 10 मीटर है, तो यहां से यहां तक का ड्रॉप कितना होगा? 5 होगा ना। 1 मीटर का 0.5 है तो 10 मीटर का कितना होगा? 0.5 इंटू 10 यानी 5 के बराबर हो जाएगा। तो ये 1 मीटर का पोटेंशियल ड्रॉप है। ठीक है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, इसकी जरूरत पड़ती है कई सारे सवालों में। ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर का बेसिक सर्किट है, बेसिक सर्किट जिसके अंदर एक एक बातें जो है वो जानकारी वाली है। अब पोटेंशियोमीटर के इस्तेमाल जो मैंने तीन बताए थे वो तीनों इस्तेमाल मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। पहला इस्तेमाल होता है किसी भी बैटरी का ईएमएफ निकालना। ठीक है, तो पहला हेडिंग डाले लिखे टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ ए सेल, टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ ए सेल, किसी सेल का ईएमएफ निकालना, टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ ए सेल, किसी सेल का ईएमएफ निकालना। तो आप ये फिगर दोबारा से बनाओ, दोबारा से, ऐसा मत करना कि उसी में हम कर लेंगे, दोबारा से बनाओ। कोई दिक्कत हो तो मैं भी मिटा के दोबारा बना दूंगी। हाँ, बोला आपको लग रहा हो ये तो मजे, ठीक है, तो मैं मिटा के दोबारा बना दूंगा, लेकिन इसको दोबारा सबको बनाना है। चलिए बढ़े आगे। ये AP है, ये RP है, ये R नॉट है और ये डिस्टेंस AB के बराबर है। ठीक है, अब बैटरी का EMF निकालने का जो सर्किट है, ये तो पोटेंशियोमीटर, ये तो हमेशा रहेगा रहेगा। सर्किट के अंदर कुछ चेंजेस हम करते हैं। एक बैटरी लेते हैं जिसका EMF हमें नहीं पता है, मान लिया कि E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इसके साथ हम एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी लगी होती है और इस जॉकी को इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर फिसलाते हैं। तो जब हम इस जॉकी को इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर फिसलाएंगे तो फिसलाते रहेंगे तो कहीं एक ऐसा मौका आता है जब गैल्वेनोमीटर से करंट जाना बंद हो जाता है, नल पॉइंट आता है। तो नल पॉइंट जो आता है, मान लेते हैं कि वो स्मॉल एल दूरी पे नल पॉइंट आ गया। ठीक है, हम जॉकी को यहां से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके फिसलाते रहते हैं और गैल्वेनोमीटर पे नजर रखते हैं, धीरे धीरे करके इसको फिसलाते क्या होगा कि कहीं ना कहीं जाके नल पॉइंट आ जाएगा। जहां भी नल पॉइंट आ जाएगा वो रीडिंग नोट कर ली जाएगी। अब क्या होगा, ध्यान से देखें, हमने आपसे बोला था कि एक मीटर का ड्रॉप एक्स होता है, तो यहां से यहां तक का ड्रॉप एल मीटर का ड्रॉप कितना होगा?
एक्सेल होगा ना, अगर एक मीटर का ड्रॉप एल होता है तो यहां से यहां तक का जो ड्रॉप आएगा वो एक्सेल के बराबर आ जाएगा, तो ये वाला ड्रॉप एक्सेल के बराबर आ जाएगा। अब अगर ये वाला ड्रॉप एक्सेल के बराबर होगा तो अब देखिए इसमें से कोई नल पॉइंट आ गया, यानी यहां से कोई करंट नहीं जा रहा है, यहां से कोई करंट नहीं जा रहा है, तो जो ये वाला ड्रॉप होगा वही वाला ड्रॉप भी होगा। ये वाला ड्रॉप एल के बराबर है तो ये ड्रॉप कितना हो जाएगा, सॉरी ये वाला ड्रॉप एक्सएल के बराबर है तो ये भी एक्सएल के बराबर हो जाएगा। तो अब देखो इस रजिस्टर का ड्रॉप जो है वो भी जीरो आएगा। रजिस्टर का ड्रॉप इसलिए जीरो आएगा क्योंकि यहां से कोई करंट नहीं जा रहा है, यहां से कोई करंट नहीं जा रहा है तो इस रजिस्टर का कोई ड्रॉप नहीं आएगा। तो जो बैटरी का ईएमएफ होगा वो इस वाले ड्रॉप के बराबर आ जाएगा, तो जो ईएमएफ आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्सएल के बराबर आ जाएगा। एक्स आपको पहले से ही पता है पोटेंशियोमीटर का, और एल आपने यहां नोटिस करके निकाल और एक्सपेरिमेंट करके निकाल लिया, तो बैटरी का ईएमएफ एक्सएल के बराबर होगा। फिर से सुने, हम क्या करेंगे सर्किट इस तरह से कनेक्ट करेंगे। सर्किट के कनेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, जैसे प्लस वाला ध्यान रहे कि प्लस से कनेक्ट होगा, तो सर्किट का प्रॉपर कनेक्शन करेंगे, उसके बाद जॉकी को यहां से लेके धीरे धीरे ऐसे फिसलाते रहेंगे, फिसलाते फिसलाते जिस जगह पर नल पॉइंट आ जाएगा उस जगह पर इसका करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। करंट जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में फिर अब करंट जीरो हो गया तो इस रजिस्टर का अपना कोई ड्रॉप तो है नहीं, तो अब जो ये ईएमएफ होगा वही ये जो ड्रॉप होगा वही ये वाला ड्रॉप होगा। ये वाला ड्रॉप ई के बराबर है तो ये ड्रॉप एक्सएल के बराबर है तो ई बराबर एक्सएल हो जाएगा। ठीक है, तो बना लीजिए एक्स्ट्रा जो सर्किट का पार्ट है वो बना ले। नोट कर लिया, लिखे थोड़ा सा लिखे, द जॉकी इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए, द जॉकी इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए when the null point is obtained the reading is noted down, bracket mein likho small n, जब नल पॉइंट आता है तो रीडिंग नोट करी जाती है और हम उसे स्मॉल एल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए खैर कोई दिक्कत इसमें। अब एक इसमें सवाल ये बनता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझिएगा कि कई बार नल पॉइंट नहीं आता है, कई बार ऐसा होता है कि नल पॉइंट आता ही नहीं है। ठीक है, हम पूरा यहां से यहां तक पूरा कनेक्शन करके ले जाते हैं और नल पॉइंट आता ही नहीं है, तो उसके तीन कारण होते हैं, मतलब तीन कारण हो सकते हैं, तीनों में से कोई एक कारण इसका हो सकता है। पहला तो बड़ा ऑब्वियस सा कारण है कि भाई कनेक्शन ही रॉन्ग हो, भाई पोटेंशियोमीटर आपको दे दिया गया, अब आपने रॉन्ग कनेक्शन कर दिया। रॉन्ग कनेक्शन का मतलब जो बैटरी का प्लस है वो इधर कर दिया, माइनस इधर कर दिया, तो रॉन्ग कनेक्शन होगा तो नल पॉइंट तो आएगा नहीं, फिर तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो इस बात को भी नोट करो, समटाइम्स नल पॉइंट इज नॉट ऑब्टेन बिकॉज sometimes the null point is not obtained because
पहला उसका पॉइंट लिखें, समटाइम्स द नल पॉइंट इज नॉट ऑब्टेन्ड बिकॉज, पहला पॉइंट लिखें, रॉन्ग कनेक्शन, रॉन्ग कनेक्शन, समटाइम्स द नल पॉइंट इज नॉट ऑब्टेन्ड बिकॉज रॉन्ग कनेक्शन, कई बार नल पॉइंट नहीं मिलता है रॉन्ग कनेक्शन की वजह से, गलत कनेक्शन के कारण नहीं मिलता है। दूसरा जो पॉइंट होता है वो समझे, दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ हम निकालना चाह रहे हैं और ये बैटरी का इस्तेमाल करके इसका ईएमएफ निकालना चाह रहे हैं, तो इसका जो ईएमएफ आएगा वो इसके ईएमएफ से तो हमेशा कम आएगा ना भाई, इसका जो ईएमएफ है वो इस पूरे का ड्रॉप है और इसका जो ईएमएफ है वो बस इतने का ड्रॉप है, तो ये जो बैटरी है सेकेंडरी जो बैटरी लगाई गई है इसका ईएमएफ हमेशा बड़ी वाली बैटरी से, इस बैटरी से छोटा होना चाहिए। कई बार ये होता है कि इसका ईएमएफ ज्यादा हो जाता है, इसका ईएमएफ ज्यादा हो जाता है और इसका कम रह जाता है, कनेक्शन वगैरह सब सही है लेकिन इसका ईएमएफ बड़ा हो गया, तो अगर इसका ईएमएफ बड़ा हो गया तो भी नल पॉइंट नहीं आएगा भाई, ये तो प्राइमरी बैटरी है ना, इसका ईएमएफ तो ज्यादा होना ही पड़ेगा क्योंकि इसी की मदद से तो इसको नाप रहे ना, इसका जो ड्रॉप है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप है और इसका जो ड्रॉप है वो तो छोटे से पार्ट का ड्रॉप है, तो इसका ईएमएफ तो कम ही होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि प्राइमरी का ईएमएफ कम हो जाता है, सेकेंडरी का ज्यादा हो जाता है, सेकेंडरी बैटरी कहेंगे इसको, तो अगर सेकेंडरी बैटरी का ईएमएफ प्राइमरी से ज्यादा हो गया तो भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा कारण लिखें, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी इज हायर देन द प्राइमरी ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी इज हायर देन द प्राइमरी ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी इज हायर देन द प्राइमरी ईएमएफ, सेकेंडरी का जो ईएमएफ होता है वो प्राइमरी के ईएमएफ से ज्यादा होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि सेकेंडरी का ईएमएफ प्राइमरी के ईएमएफ से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए दो कारण हो गए, तीसरा कारण जो है वो बड़ा महीन कारण है, इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा आपको। कई बार ऐसा होता है कि आर नॉट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा कर दी, मान लो गलती से आर नॉट हमने बहुत ज्यादा कर दिया, आर नॉट बहुत ज्यादा कर दिया तो इस बैटरी का जो ड्रॉप होगा वो सारा का सारा इसी को मिल जाता है भाई, इसका ड्रॉप क्या होगा आई आर, तो अगर आर नॉट बहुत ज्यादा हो गया तो इसका ड्रॉप बहुत अधिक हो जाएगा, तो ये जो बैटरी का ड्रॉप है वो मैक्सिमम पार्ट, मैक्सिमम जो ईएमएफ होता है वो इसी को मिल जाता है और इस वायर का जो अपना ड्रॉप है बहुत कम हो जाता है, तो वायर का ड्रॉप अगर बहुत कम होगा तो बैटरी का ईएमएफ जो है वो फिर मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। तो अगर हमने आर नॉट को बहुत हाई कर दिया, रेजिस्टेंस इसको बहुत ज्यादा कर दिया, तो ये यहीं पे ड्रॉप, जैसे मान लो इसका ड्रॉप है 100 वोल्ट, ये बैटरी का इसका ड्रॉप 100 वोल्ट है और अकेले इसको 90 वोल्ट मिल गया, तो 90 वोल्ट इसको मिल गया तो फिर इसको तो 10 ही वोल्ट मिलेगा ना, अब 10 वोल्ट मिलेगा और ये बैटरी का ईएमएफ 12 वोल्ट का हुआ तो ये नहीं नाप पाएगा भाई, इसका ईएमएफ जो है इस वायर के ईएमएफ से तो कम होना चाहिए। तो अगर जो रेजिस्टेंस बॉक्स है आर नॉट उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई तो ये सारा का सारा ड्रॉप खींच लेता है, तो इस वायर को कोई भी ड्रॉप नहीं मिलेगा और इसी वायर के ड्रॉप की मदद से इस बैटरी का मेजरमेंट हम कर रहे हैं, तो बैटरी का जो ड्रॉप होगा वो वायर के ड्रॉप से अधिक आ जाएगा और नल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो तीसरा कारण लिखें, वैल्यू ऑफ आर नॉट इज वेरी हाई, वैल्यू ऑफ आर नॉट इज वेरी हाई, वैल्यू ऑफ आर नॉट इज वेरी हाई, आर नॉट की जो वैल्यू है वो बहुत अधिक है, वैल्यू ऑफ आर नॉट इज वेरी हाई, वैल्यू ऑफ आर नॉट इज वेरी हाई, आर नॉट की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये तीन कारणों से नल पॉइंट नहीं मिलता है, ठीक है, और बैटरी का ईएमएफ निकालने के लिए ई बराबर एक्सएल होता है। अब दूसरा इसके अंदर ये होता है, एक तो ये हो गया कि भाई बैटरी का ईएमएफ निकालना, दूसरा पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल है दो बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर करना, तो हेडिंग डालें, लिखें दूसरा पॉइंट, लिखें टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, to compare the EMF of two cells, to compare the EMF of two cells, दो cells का EMF compare करना, जैसे मान लीजिए कि
ये ईपी है, ये आरपी है, आर नॉट है, ये एबी वायर है, जैसा पहले था सब कुछ वही है। आर एबी जो है वो कैपिटल आर के बराबर है। और इस बार हम क्या करेंगे कि दो बैटरियां बनाएंगे, एक ये बैटरी है इसका ईएमएफ V1 है, इसका E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका R2, ये स्विच S1, ये स्विच S2, ये गैल्वेनोमीटर, ये जॉकी, ये इसका सर्किट। तो पहले सर्किट बनाएं। दो सेल का ईएमएफ निकालने वाला जो सर्किट है वो ये है। पोटेंशियोमीटर तो वैसे का वैसे ही रहेगा, बस उसमें ये दो बैटरियां अलग से जुड़ जाएंगी, इनमें दो स्विचेज S1 और S2 आ जाएंगे। चलिए बड़े आगे। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमें ईएमएफ ने कंपेयर करना है तो सबसे पहले ध्यान से सुने, हम स्विच S2 को खुला रखते हैं। S2 को खुला रखेंगे तो ये वाला सर्किट, ये बैटरी तो इस्तेमाल में आएगी नहीं। S2 खुला रहेगा तो इधर का कोई यूज नहीं आएगा। S2 को खुला रखते हैं और S1 को बंद करते हैं। S2 को खुला रखते हुए S1 को बंद करते हैं और नल पॉइंट ढूंढते हैं। मान लेते हैं कि नल पॉइंट L1 पे मिल गया तो E1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी XL1। फिर से सुने, S2 को खुला रखते हैं तो ये वाला सर्किट, इस सर्किट का कोई मतलब नहीं है, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ यही वाला सर्किट बचेगा। S1 को हमने बंद किया और नल पॉइंट यहां से खिसकाते खिसकाते ढूंढा तो मान लिया L1 पे आ गया, तो E1 बराबर XL1 हो जाएगा क्योंकि यही बैटरी काम में आएगी। फिर दोबारा क्या करते हैं, S1 खोल के S2 को बंद कर देते हैं। S1 खोल के S2 को बंद किया और फिर से इसको घुमाते 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 नल पॉइंट ढूंढते हैं। मान लिया इस बार नल पॉइंट L2 पर आ गया तो E2 की वैल्यू कितनी आएगी, XL2 के बराबर आएगा, तो E1 अपॉन E2 क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2। बस तो दोनों बैटरी का EMF कंपेयर हो गया। मान लो कि ये 10 है, ये 5 है, तो इसका EMF इसका दूना हो जाएगा, 10/5 टू टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम बैटरी का EMF कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट करें।
इवन अपॉन ई टू, ठीक है। चलिए इवन अपॉन ई टू इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू, ठीक है। चलिए खैर यहां तक नोट किया आपने, लिखे एल वन लिखे क्या है, नल पॉइंट व्हेन एस टू इज ओपन एंड एस वन इज क्लोज्ड, नल पॉइंट व्हेन एस टू इज ओपन एंड एस वन इज क्लोज्ड, नल पॉइंट व्हेन एस टू इज ओपन एंड एस वन इज क्लोज्ड। नल पॉइंट व्हेन S2 is open and S1 is closed. Null point जब S2 खुला है और S1 बंद है। Null point when S2 is open and S1 is closed. पहला L2 लिखे, null point L2 लिखे क्या है? Null point when S1 is closed. Sorry, null point when S1 is open and S2 is closed. Null point when S1 is open and S2 is closed. तो ये EMF कंपेयर करने का सर्किट है, ठीक है। सर्किट भी पूछे जाते हैं कि भाई ये कौन सा सर्किट है, तो आपको सर्किट भी याद रहना चाहिए। तो ये EMF कंपेयर करने का सर्किट है, दो बैटरी हम लगा देते हैं और S1 S2 इस तरह से स्विच करके फिर इसको सॉल्व करते हैं। दो इस्तेमाल सिखाए मैंने, एक तो बैटरी का EMF निकालना, दूसरा बैटरी के EMF को कंपेयर करना, तीसरा ये है किसी भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। तो हेडिंग डाले लिखे टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी यूजिंग ए नोन रेजिस्टेंस एस, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी यूजिंग ए नोन रेजिस्टेंस एस, to find the internal resistance of a battery using a known resistance S, to find the internal resistance of a battery using a known resistance S. चलिए तो आपको क्या करना है, आपको फिर से यही सर्किट बनाना है, इतना आपको फिर से बनाना है, ठीक है। ये इतना आप दोबारा से बनाएं, क्योंकि तीन अलग अलग एक्सपेरिमेंट है तो तीनों का सर्किट अलग अलग है ना, पोटेंशियोमीटर सब में कॉमन रहता है तो वो तो सब में रहेगा। फिर से पोटेंशियोमीटर बनाएं, कहने का मतलब ये है। आर नॉट वेरिएबल तो रहेगा ही। अच्छा तीर नहीं लगाया क्या? ठीक वेरिएबल दूसरे वाले में तो फिर लगा ही था, नहीं लगा, लगा लो तीर लगा लो। चलिए अब किसी नॉन रेजिस्टेंस, कोई हमें रेजिस्टेंस पता है उसका इस्तेमाल करते हुए हमें किसी बैटरी का ईएमएफ निकालना है। तो अगर हमें नॉन रेजिस्टेंस हमारे पास है तो बैटरी का ईएमएफ हम इस सर्किट से निकालते हैं। देखिएगा जरा इसका सर्किट जो है वो अलग है, इसमें पहले तो बैटरी होगी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्मॉल आर, बैटरी का ईएमएफ ही है, इसके साथ एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर एक नॉन रेजिस्टेंस है जिसको हम एस बोले, नॉन मतलब पहले से हमें इसकी वैल्यू पता है, एक स्विच है S1, दूसरा स्विच है S2, फिर वही गैल्वेनोमीटर, फिर वही जॉकी, फिर वही फिसलाना, ये सब तो रहेगा ही रहेगा, ये भी बना ले।
चलिए बड़े आगे। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, ये सर्किट सबने बना लिया। अब इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले वही बात कि हम स्विच S2 को खुला रखते हैं और S1 को बंद कर देते हैं, ठीक है। S2 को खुला रखा मैंने, S1 को बंद कर दिया और फिर जॉकी को फिर लाया और कहीं ना कहीं S2 को खुला रखेंगे तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, सिर्फ यही एक बैटरी रहेगी। इसको जॉकी को फिर लाया और नल पॉइंट मान लिया कि L1 पे मिला तो E बराबर होगा एक्स L1, कोई तकलीफ इसमें? तो अगर हम इस वाले स्विच को खुला रखते हैं, इसका कोई एक्टिविटी नहीं रहती है, और S1 को बंद कर देते हैं और फिर उसके बाद जॉकी को फिसलाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें नल पॉइंट मिलेगा और E बराबर हो जाएगा XL1। अब क्या करते हैं, S1 तो पहले से ही बंद था, S2 को भी बंद कर देते हैं, S1 S2 दोनों को क्लोज कर देते हैं। तो S1 S2 दोनों को क्लोज कर देंगे तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा कि ये वाला जो लूप है ये भी कंप्लीट हो जाएगा और इसमें करंट फ्लो करना चालू हो जाएगा। भाई अब ये लूप देखो ध्यान से, पूरा हो गया, अब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। अब फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि फिर से इस जॉकी को फिसलाते हैं और फिर से नल पॉइंट ढूंढते हैं। इस बार मान लिया कि नल पॉइंट L2 पे आ गया। फिर से सुने, पहले तो जैसे S2 खुला हुआ था और S1 बंद था और नल पॉइंट L1 पर आया था तो E बराबर XL1 हो गया था। अब हमने क्या किया, इन दोनों को बंद कर दिया। इन दोनों को जब हमने बंद किया और इन दोनों को बंद करने के बाद जब हम इस जॉकी को फिसलाना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं नल पॉइंट मिलता है, मान लिया L2 पे मिला। अच्छा, जब नल पॉइंट मिलेगा तो इस गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाला करंट जीरो होगा। नल पॉइंट का मतलब यही होता है ना कि गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा है, तो इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा होगा। अगर इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा होगा तो इधर से कोई करंट आ भी नहीं रहा होगा, क्योंकि जो करंट आएगा उसको इधर जाना पड़ेगा ना, लूप पूरा करता है करंट हमेशा। तो इस जब भी नल पॉइंट आएगा तो इधर से कोई करंट नहीं जा रहा होगा और इधर से कोई करंट नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस लूप में करंट फ्लो कर रहा होगा। और इस लूप के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होगा, अगर मैं उसको आई बोलूं तो उस आई की वैल्यू आएगी ई अपॉन आर प्लस एस। ये जो लूप का करंट होगा वो ई अपॉन आर प्लस एस के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देख ले, किसी को कोई डाउट हो तो बताए। भाई ये आर और एस, अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो आर और एस सीरीज में आ गए तो करंट की वैल्यू आ जाएगी ई अपॉन आर प्लस एस। तो इस वाले लूप का जो करंट होगा वो आर प्लस एस होगा। अच्छा, अगर नल पॉइंट एल टू पे मिला था तो यहां से यहां तक का ड्रॉप आएगा एक्स एल टू, और यहां से यहां तक का जो ड्रॉप आएगा वो आएगा आई इंटू एस। ये वाला जो ड्रॉप आएगा, भाई रजिस्टर का ड्रॉप आई आर होता है ना, तो ये वाला ड्रॉप आई इंटू एस आएगा और ये वाला ड्रॉप एक्स एल टू आएगा। और नल पॉइंट है तो ये वाला ड्रॉप और ये वाला ड्रॉप बराबर होंगे, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आई इंटू एस इज इक्वल टू एक्स एल टू। जो ये ड्रॉप है वही ये ड्रॉप होगा। अगर नल पॉइंट L2 पे मिला है तो यहां से यहां तक का ड्रॉप XL2 होगा और यहां से यहां तक का ड्रॉप I into S के बराबर होगा, तो I into S is equal to XL2 हो जाएगा। अब I की वैल्यू वहां लिखी हुई थी E upon R plus S into S is equal to XL2, ठीक है, is equal to हो जाएगा XL2, और E की जगह कितना हो जाएगा XL1, E की जगह आ जाएगा XL1, XL1 into S upon R plus S is equal to XL2, XX चला जाएगा और ये आ जाएगा R plus S upon S, R plus S upon S is equal to L1 upon L2, तो हो जाएगा R by S plus 1 is equal to L1 upon L2। तो R की जो वैल्यू आएगी ना, R जो आएगा वो जाएगा L1 upon L2 minus 1 into S, ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। यही आपसे मतलब यही निकालना होता है इसके अंदर। फिर से देखें, मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से पूरा एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से बता रहा हूँ, इसमें सब लिखा भी दूंगा मैं आपको। इसमें पहले S2 खुला हुआ था, S2 खुला हुआ था और हमने जॉकी को मूव कराया तो नल पॉइंट L1 पे मिला, तो इसका जो EMF होगा वो XL1 के बराबर हो जाएगा। फिर हमने S1 S2 दोनों को बंद कर दिया, फिर जॉकी को मूव कराया, इस बार नल पॉइंट L2 पे आया, तो जो नल पॉइंट अगर L2 पे आया तो ये वाला ड्रॉप होगा XL2 और ये वाला ड्रॉप होगा IS, और ये ड्रॉप इसके बराबर होगा क्योंकि सर यहाँ कोई करंट तो है नहीं, इस वाले पार्ट में कोई करंट नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप इस ड्रॉप के बराबर होगा, तो XL2 जो होगा वो I into S के बराबर होगा। तो अब I की वैल्यू E upon R plus S आ गई और ये XL2 के बराबर हो गया। E की जगह हम पहले निकाल चुके हैं XL1, तो E की जगह XL1 रख दिया, काट पीट किया, सॉल्व किया तो ये आ गया। अब इसको नोट करें,
नोट कर लिया? अब लिखिए इसके अंदर L1 क्या है, L1 लिखे नल पॉइंट, नल पॉइंट व्हेन L1 जो है नल पॉइंट व्हेन S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। L1 लिखे नल पॉइंट व्हेन S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। L1 and null point when S1 is closed and S2 is open. और L2 लिखे null point when S1 and S2 both are closed. Null point when both S1 and S2 are closed. Null point जब दोनों S1 S2 दोनों बंद है। R की वैल्यू होगी L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू S। कोई डाउट? चलिए लाइक शीट दीजिए, होमवर्क दे देते। एक्सरसाइज 1 पूरी हो गई या कुछ सवाल बच रहे थे? बच रहे थे ना, कहाँ तक हो गए थे सवाल? 67 तक हो गए थे। अच्छा, उसके आगे इंस्ट्रूमेंट वाले बच्चे होंगे ना, नहीं सेल EMF और ये। तो 68 से एक्सरसाइज 1 में 68 से लेके 75। हाँ बेटा, हाँ ये चैप्टर रुक गया। अच्छा हाँ, ये याद करने वाला है, बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, हाँ लिखा हुआ है, उसको याद कर लेना बेटा, कुछ बताने का है नहीं। हाँ? समझ गए ना, इसमें सवाल आते हैं कलर वाला, कलर कोडिंग वाला जो है उसका फार्मूला दिया हुआ है इन्होंने शीट में, बस याद करने का है। देखो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, तो वो उसका कॉम्बिनेशन बना के दिया हुआ है, पूरा लिखा हुआ पेज नंबर 77। हाँ, या मैं बता भी सकता हूँ पढ़ के भी, लेकिन अब याद कर लो। ठीक है, याद किया होगा 10th क्लास में। हाँ, ऐसे फार्मूले होते हैं। अरे भाई 12th में क्या हुआ? 10th का नहीं मुझे याद है, मुझे 12th का याद है। हाँ, 10th गलती से भूल गया था मैं। 10th में था क्या ये? हाँ 12th में था, 12th में था।